है कि गाड़ी एक ऐसा शौक है जिसको डल जाएगा ना exactly. वो किसी और शौक में नहीं जाएगा. जिसके पास गाड़ी होती है वो सारे पैसे गाड़ी को खिलाता है. वेलकम बैक टू द हाईवे. बट आज हम बात करने वाले हैं इसके मेंटेनेंस के बारे में. हमने इससे पहले के वीडियो में इसके इंटीरियर बाहर की बात की थी. अब हम आज बात करने वाले हैं इसके इंजन की, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं 3 साल से. ये एक्चुअली है 1.9 TDI राइडर मॉडल एंड सबसे सिंपल स्कोडा का इंजन इसमें यूज़ किया गया है. 3 साल में इसने मुझे क्या खर्चा करवाया, मैं आज इस पर बात करने वाला हूँ. एंड उस काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मुझे भी सरप्राइज़ हुआ था इसका खर्चा देख के. एंड ये गाड़ी लेने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि इसका खर्चा आएगा, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए. क्योंकि अगर हमें एक लग्जरी लाइन गाड़ी यूज़ करनी है जो कि एक मल्टी ब्रांड में आती है, तो उसके लिए हमें पे भी करना पड़ेगा. ओके, सो बात करते हैं अब खर्चे की. सो अगर फर्स्ट देखें हम, तो मैंने इसका लेते ही एक्सल डाला था जो यहाँ पे आता है टायर के अंदर में. जो वो एक्सल मैंने 2 बार डाला और उसके बाद उसके साथ उसकी जो बॉल जॉइंट्स आते हैं उसके साथ उसकी टायर रॉड आती है वो भी मैंने डाली थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नॉइस करता था. सेकेंड काम मुझे आया था इसके फाउंडेशन का, जो कि मैंने बाहर बदला था यूपी साइड में. मैं दिल्ली जा रहा था तो हम लोगों ने एक काम के लिए अंदर जाना था, तो यूपी में हमने इसका ये फाउंडेशन चेंज किया था. तो ये फाउंडेशन की कॉस्ट भी थी कम से कम 3,000 एंड वो दोनों एक्सल का पकड़ के 5,500. एक एक्सल नया था, एक एक्सल पुराना था, एक एक्सल का हब नया था. एंड उसके बाद अगर बात करें तो थर्ड काम जो मैंने किया है इसका, रेडिएटर का फ़ैन, ये जल गया था. बाद मैंने ये फ़ैन डाला था कुछ 3,000 में सेकेंड हैंड. उसके बाद चला गया था इसका ऑयल कूलर, जो ऑयल कूलर ऑयल फिल्टर के नीचे होता है, तो वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए थे. तो ऑयल जो है कूलेंट में आता था, डब्बा पूरा ऑयल से भर गया था. एंड मैंने उसके बाद उसका ऑयल कूलर चेंज किया. एंड थर्ड है कि अल्टरनेटर बेयरिंग है, वो मैंने चेंज की थी. एक बार रनिंग में वो टूट गई थी तो मैंने उसको डलवा लिया था. उसके बाद ये जो टेंशनर आता है ये भी मैंने चेंज किया है. तो अल्टरनेटर बेयरिंग और टेंशनर का प्राइस अगर देखें तो 3,000 का टेंशनर, अल्टरनेटर बेयरिंग वो तो मेरे भाई ने, मतलब जिसके पास मैं गाड़ी बनाता हूँ, उन्होंने लगवा दी ऐसे ही. एंड उसके बाद अगर देखें तो एसी का इसका जो काम है, टेम्परेचर सेंसर गया था जो इसके नीचे आता है एंड एक सेंसर नीचे आता है, 2 सेंसर आते हैं. बट किसी ने उसको अल्टर करके ऊपर बिठाया था तो वो चला गया था. तो वो सेंसर और रेजिस्टेंस जो ब्लास्ट 1, 2, 3, 4 आता है, वो बटन का भी सर्किट ख़राब हो चुका था, वो भी मैंने डाला था. उसका खर्चा आया था कुछ 4,500 सब मिला के, सेंसर और फैन बेल्ट. उसके साथ फ़ैन बेल्ट भी डाला है मैंने, ये वाला सेंसर, फ़ैन बेल्ट, रेजिस्टेंस. एंड उसके बाद इसका आता है यहाँ पे ब्रेक वैक्यूम, ये भी एक बार चला गया था जिसके कारण ब्रेक नहीं लगता था गाड़ी का, ब्रेक जाम लगता था. तो ये मैंने चेंज किया था कुछ 3,000 में सेकेंड हैंड. ये चीज़ सेकेंड हैंड में मिल जाते हैं आजकल कहीं भी, नए भी मिल जाते हैं. बट स्कोडा जेन्यून यहाँ पे जैसे लिखा है कि स्कोडा ऑटो एडवाइस टू सर्विस दिस कार एक्सक्लूसिवली एट स्कोडा सर्विस यूजिंग ओनली स्कोडा जेन्यून पार्ट्स एंड जेन्यून एक्सेसरीज. भाई अभी इन लोगों ने पार्ट्स सस्ते करवाए हैं, पहले नहीं थे इतने सस्ते. तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई थी मेंटेनेंस को लेकर. और स्कोडा प्रेफर करता है, स्कोडा रिकमेंड्स शेल हेलिक्स एट यू स्कोडा पार्टनर. तो मैं ऑलमोस्ट जब भी हाईवे पे जाता हूँ, जहाँ भी मुझे शेल का पंप मिल जाता है, मैं वहाँ इसको शेल का डीजल फुल करवा देता हूँ, जो काफ़ी कॉस्टली रहता है. बट अगर देखा जाए तो शेल का इंजन ऑयल भी मैं डालता हूँ. एंड उसके बाद इसका गया था बीच में क्रैंक सेंसर, जिसकी वजह से गाड़ी हीट सेंटर में आने के बाद बंद होती थी. तो वो क्रैंक सेंसर मुझे पड़ा फिटिंग के साथ 2,500. एंड ये फ़िल्टर भी मैंने चेंज किया, ये मुझे ओरिजिनल मिला नहीं, ये फिर भी ठीक है 1200-1300 में आ गया था. बट काम चल गया मेरा, अभी इसको मैं फ़िल्टर को रिप्लेस करूँगा ओरिजिनल फ़िल्टर के साथ. 37,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है और इसका मेंटेनेंस भी मैंने 35,000 का किया है 3 साल में. मतलब साल का 10,000 लगभग मेंटेनेंस मैंने किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है. एंड उसके बाद मैंने इसकी सर्विस की है 35,000 में कम से कम 5 से 6 बार. अगर देखा जाए तो 3 बार भी सर्विस नहीं होती है इसकी, बट मैंने गाड़ी मतलब पुरानी रहने से इसको मेंटेन रखने के खातिर ज़्यादा मतलब ड्राइव करता नहीं हूँ मैं, बट सर्विस कर लेता हूँ क्योंकि इंजन सॉफ्टनेस मुझे पसंद है. क्योंकि इंजन को अगर सॉफ्ट रखेंगे तभी गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा. एंड ये पहली बात मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ये गाड़ी लेने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि इसका थोड़ा बहुत खर्चा आएगा अगर रफ यूज़ करते हैं तो. और इंसुलेशन की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा लूज़ हो चुका है, इसमें चूहे घुस गए थे. मैंने उनको बोला कि भाई लोग ले जाना कॉटन वॉटन सब सोफ़ा वोफ़ा बना लेना, बट इंजन में ना घुसना और वायरिंग को कट मत करना.
अब सस्पेंशन और इंजन के रिलेटेड मेंटेनेंस की बात हो चुकी है, तो अब हम जाते हैं पीछे कि जो ये विंडोज हैं, ये विंडोज भी इसकी काफ़ी मतलब मुझे 2 से 3 बार प्रॉब्लम आया है 6 महीने 1 साल में। ये रियर विंडो, सामने के दोनों एज इट इज़ है, बट रियर के दोनों भी मैंने चेंज करवाए हैं। अभी भी उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने अभी भी उसको रिप्लेस में लिया है, पार्ट पड़ा है, जाके चेंज करवाना है। तो ये पड़ते हैं कुछ, मुझे इससे पहले मैंने चेंज किया 2500 के कुछ पड़े थे दोनों भी, एंड अभी फिर भी और चेंज करना है। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता रहता है इसमें, बाकी ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गाड़ी को अच्छा चलाएंगे, क्लच को अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो काफ़ी अच्छा ये गाड़ी आपको रिटर्न देगी। अदरवाइज़ आप अगर इसको एकदम रफ़ यूज़ स्विफ्ट वगैरह की तरह चलाएंगे, तो ये गाड़ी आपको रुला देगी कन्फर्म। बोनट का साइज़ इतना मैसिव है ना कि लुक में इसको 4 चांद लग जाते हैं। अगर डिग्गी भी खोल दूँ ना तो फिर तो मतलब पूछो ही मत। अभी सब काम करवाना है, हेडलाइट्स मैंने ऑर्डर किए हैं और मतलब टायर्स भी चले गए हैं, तो टायर्स भी डलवाना है। ये सारा मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, सो स्टे ट्यून रहना। एंड अब तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और इसके पहले की वीडियो जाके देख लेना। मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसने मुझे ना के बराबर, मतलब ना के बराबर भी नहीं, बट दिया है खर्चा, उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। गाड़ी ज़्यादा लोगों के हाथ में नहीं जाती है, इसके लिए ये गाड़ी ज़्यादा मेंटेन हो चुकी है। क्लच अब तक जैसा का वैसा है, 2,27,000 प्लस गाड़ी चल चुकी है, एंड उसके बावजूद भी गाड़ी का लुक एंड गाड़ी का जो इंजन है, गाड़ी के मतलब जो चीज़ें हैं आप देख रहे हो, ये इसलिए मेंटेन हुई है कि ये गाड़ी ज़्यादा किसी के हाथ में जाती नहीं है। अगर किसी ने क्लच पे पैर रख के 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चला गया तो प्लेट उड़ जाएंगे, और 25 से 27 हज़ार के आसपास में इसकी क्लच प्लेट आती हैं अभी भी। ये आई है गाड़ी को स्टार्ट करने की, सो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके 3, 2, 1, तो ऐसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, एंड आरपीएम इसका 900 पे रुक जाता है, काफ़ी अच्छा है। लेट्स गो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।